हेलो दोस्तों दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फोसिस असेसमेंट टेस्ट के बाद आने वाले ऑफर लेटर के बारे में एंड जॉइनिंग डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने इन्फोसिस की असेसमेंट टेस्ट कम्प्लीट की थी दोस्तों 22 अगस्त 2021 को, और फाइनली उनको इन्फोसिस की तरफ से ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि प्रसाद जी जो है उनको इन्फोसिस की तरफ से ऑफर लेटर आ चुका है। बट दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एम ये है कि मैं आपको उनकी ज्वाइनिंग डेट बता सकूं और उनको इन्फोसिस का इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस कर सके। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रसाद जी को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कह दिया है तो फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशन कह दीजिए। तो दोस्तों प्रसाद जी की जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 4 नवंबर 2021। तो देखिए दोस्तों 4 नवंबर को प्रसाद जी इन्फोसिस के में ज्वाइन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उनका इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो प्रसाद जी स्क्रीन पर कहते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन यूअर सेल्फ। तो देखिए उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोड्यूस यूअर सेल्फ के बारे में। दोस्तों वो आगे कहते हैं ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फर्स्ट एंड देन से इंट्रोड्यूस यूअर सेल्फ। तो देखिए दोस्तों कुछ इंटरव्यूअर आपको कम्फर्ट जोन में लाने के लिए, कम्फर्टेबल करने के लिए वो खुद का इंट्रोडक्शन दे देते हैं एंड देन आपको आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। उसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद प्रसाद जी को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों आपको आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा नहीं है तो प्लीज़ वह उसको सोचिए, समझिए और कैसे एक्सप्लेन करना है उसकी स्टेप लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आपको 3 टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मशीन लर्निंग, सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टाइप्स वगैरह डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन दोस्तों उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मशीन लर्निंग के सम क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों उनको पूछे गए व्हाई चूज आईटी। मींस दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताई दिखाई दे रहा है कि मेरे जो ये दोस्त हैं वो नॉन सीएस आईटी के स्टूडेंट्स हो गए, इसीलिए उनको ये क्वेश्चन पूछा कि आप आईटी क्यों चूज़ कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों प्रसाद जी को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऊप्स कंसेप्ट। दोस्तों अगर आपका इन्फोसिस का इंटरव्यू होगा या फिर कौन सा भी एमएनसी कंपनी का इंटरव्यू होगा आपको ऊप्स के कंसेप्ट 101% पूछे जाएंगे। दोस्तों उसके बाद उनको पूछे एसक्यूएल का बेसिक। एसक्यूएल का बेसिक भी दोस्तों ऊप्स कंसेप्ट जितना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनको पूछा गया लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन में उनको पूछा गया व्हाई शुड आई हायर यू। तो देखिए दोस्तों बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट प्रसाद जी को पूछा गया कि आप मीन्स व्हाई शुड हायर यू। उसके बाद दोस्तों उनको पूछा गया इवन ऑड प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंटरव्यूअर स्क्रीन शेयर करते हैं और नोट पैड पर टाइप करने के लिए कहते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ लॉजिक पूछते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रसाद जी को 2 प्रोग्राम पूछे थे, प्राइम नंबर का प्रोग्राम एंड इवन ऑड का प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपने आपको भी इन्फोसिस की तरफ से प्रोग्राम पूछा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और हाँ प्रसाद जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको इंटरव्यूअर ने स्क्रीन शेयर करने को बोला था या फिर खाली लॉजिक पूछा था। उसके बाद दोस्तों जब उनका ये टेक्निकल के क्वेश्चन हो गए तो वो कहते हैं कि एंड आई आस्क 3 क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट मीन्स उनको पूछा गया होगा एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो उसके बाद दोस्तों प्रसाद जी कहते हैं आई आस्क 3 क्वेश्चन, फर्स्ट डिफिकल्टीज फॉर फ्रेशर्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पूछा ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी इन इन्फोसिस रिलेटेड टू डेटा साइंस एंड देन यूअर जर्नी इन इन्फीटीक्यू टिल नाउ। तो देखिए दोस्तों प्रसाद जी कितने होशियार थे, उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूअर को कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है फ्रेशर्स के लिए, देन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी चल रही है फॉर डेटा साइंस के लिए, एंड देन दोस्तों उन्होंने इंटरव्यूअर को ही जर्नी पूछी। क्या होशियार थे प्रसाद जी आप, खरच आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों और दैट्स ऑल प्रसाद जी, आई होप हम सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं। प्रसाद जी आपकी खुशी आज फुली नहीं समा रही होगी, हम भी बहुत खुश है, आप भी
भी खुश रही है और बहुत ही अच्छे से इन्फोसिस में वर्क कीजिए। प्रसाद जी, अगर आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट हियर, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि यार इस चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों।